हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव काजल में। आज मैं रोज़ फ्लावर वॉल हैंगिंग बनाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने ब्लू कलर का क्राफ्ट पेपर लिया है, फोल्ड कर लिया है और रोज़ शेप में कट कर लिया है। इसी प्रकार से हमें 5 फ्लावर चाहिए। किसी में 1 कट लगाना है, किसी में 2 कट लगाना है, किसी में 3 कट, किसी में 4, किसी में 5। इसी प्रकार से कट लगाते जाना है 5 फ्लावर में। हमारी 5 फ्लावर में कट हो चुकी हैं। अब हम स्टिक करेंगे, एक एक को ग्लू की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। ग्लू लगाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। हमारी सारी स्टिक हो चुकी हैं। सारी फ्लावर को साथ में स्टिक कर देंगे, फेविकोल लगाएंगे और साथ में स्टिक करते जाएंगे। फेविकोल लगाना है और एक एक करके स्टिक करते जाना है। फ्लावर को जो बड़ा है उसे कट कर देना है और फेविकोल लगाना है और एक एक करके स्टिक करते जाना है। बस हमारी ब्यूटीफुल रोज़ बन के रेडी है। पिंक कलर का भी हमें रोज़ चाहिए, ब्लू कलर का 5 रोज़ चाहिए और पिंक कलर का 5 रोज़ चाहिए। इसी प्रकार से हमारी रोज़ बन के रेडी है। व्हाइट कलर का क्राफ्ट पेपर लेंगे, पाइप फोल्ड करेंगे और ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। इसी प्रकार से हमारी सारी पाइप बन के रेडी है। सर्कल शेप कार्डबोर्ड लेंगे और एक एक पाइप को स्टिक करेंगे। ग्लू गन लगाना है और एक एक पाइप को स्टिक करते जाना है। ग्लू गन लगाएंगे और पाइप को स्टिक करते जाएंगे। पहले नीचे साइड स्टिक करेंगे, फिर ग्लू गन लगाएंगे और ऊपर साइड स्टिक करेंगे। ग्लू गन लगाना है और एक एक पाइप को अच्छे से स्टिक करते जाना है। सारी पाइप स्टिक हो चुकी है कार्डबोर्ड में और पाइप का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे भी हम कट कर लेंगे कैंची की सहायता से। हमारी पाइप कट हो चुकी है और एक बुलियन स्टिक कर देंगे दीवार में हैंगिंग करने के लिए। ग्लू गन की सहायता से स्टिक करेंगे। एक रोज़ को स्टिक करेंगे, ग्लू गन लगाएंगे और स्टिक करेंगे। पहले मैंने पिंक कलर का रोज़ स्टिक किया और ब्लू कलर का करूँगी। इसी प्रकार से पिंक करना है और ब्लू करना है, एक बार में ही साथ में स्टिक नहीं करना है। पहले पिंक फिर ब्लू। इसी प्रकार से हमारी वॉल हैंगिंग अच्छी लगेगी देखने में। ग्लू गन लगाएंगे और एक एक करके रोज़ को स्टिक करते जाएंगे। ग्लू गन लगाना है और एक एक करके रोज़ को स्टिक करने जाना है। इसी प्रकार से हमारी सारी रोज़ स्टिक हो चुकी हैं। पिंक और ब्लू कलर का क्राफ्ट पेपर लेंगे, हार्ट शेप कट करेंगे कैंची की सहायता से। हमारी हार्ट शेप कट हो चुकी है, दोनों को साथ में स्टिक कर देंगे ग्लू के हेल्प से। इसी प्रकार से हमारी हार्ट बन के रेडी है। ब्लू कलर का वुलन लेंगे, वुलन में स्टिक करेंगे हार्ट को ग्लू गन की हेल्प से। इसी प्रकार से ऊपर नीचे हार्ट को स्टिक करना है, ग्लू गन लगाना है और स्टिक करते जाना है। हमें एक वुलन में 3 हार्ट स्टिक करना है। इसी प्रकार से हमारी हार्ट स्टिक हो चुकी है, 5 चाहिए लटकन। इसी प्रकार से हमारी बन के रेडी है। अब फोल्ड करेंगे वॉल हैंगिंग को और स्टिक करेंगे। पहले थोड़ा बड़ा हमें स्टिक करना है, ग्लू गन लगाएंगे और स्टिक करेंगे। साइड साइड थोड़ा छोटा स्टिक करना है लटकन को। और साइड साइड इसे भी थोड़ा छोटा स्टिक करना है। थोड़ा बड़ा फिर छोटा स्टिक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा वॉल हैंगिंग देखने में। मेरे पास कुछ मोती बीट्स पड़े हुए हैं, इसे भी स्टिक कर देंगे वॉल हैंगिंग के ऊपर में।
इससे हमारी वॉल हैंगिंग और भी खूबसूरत लगेगी देखने में। प्रकार से हमारी ब्यूटीफुल रोज़ वॉल हैंगिंग बनके रेडी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। राधे राधे।